सब लोगों को नमस्कार। दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत, सूझबूझ और सावधानी की वजह से अब पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफ़ी सुधार हुआ है। कोरोना की स्थिति में आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपके दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में भी हो रही है कि दिल्ली के लोगों ने मिलके किस तरह से दिल्ली में कोरोना की स्थिति को इम्प्रूव किया है। एक तरफ जहां देश भर में, दुनिया भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। हमारा रिकवरी रेट, मतलब कि अगर 100 लोग बीमार हुए तो कितने लोग ठीक हो गए, आज 88% लोग ठीक हो गए हैं। 100 लोग अगर बीमार हुए दिल्ली में तो उसमें 88 लोग ठीक हो चुके हैं और अब जो बीमार लोग बचे हैं केवल 9% लोग बीमार बचे हैं। तो अगर दिल्ली में अभी तक 100 लोग बीमार हुए तो उनमें से अब 9 ही लोग बीमार हैं और 88 लोग ठीक हो चुके हैं। लगभग 2-3% लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मौत की, मरने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जैसे कल का अगर ले तो केवल 21 लोगों की, 21 भी नहीं होना चाहिए, केवल 21 लोगों की मौत हुई, जो कि संख्या 100 से ज़्यादा हुआ करती थी। जून के महीने में डेली 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी, अब 20-25 ऐसे डेली मौत हो रही हैं। पहले 100 लोगों का हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग कोरोना के निकलते थे, अब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो केवल 5 लोग बीमार निकलते हैं। तो पॉजिटिविटी रेशियो कहते हैं इसको, इसमें भी काफ़ी कमी आई है। और इस टाइम अपने पास दिल्ली में 15,500 बेड अस्पतालों में 15,500 बेड्स का इंतजाम है, जिसमें से केवल 2800 मरीज अब बचे हैं कोरोना के अस्पतालों के अंदर। 12,500 बेड्स खाली हैं। और जून के महीने में हम पूरे देश में 2 नंबर पे थे जहां सबसे ज़्यादा कोरोना था, आज आपकी दिल्ली 10 नंबर पे पहुंच गई है। तो जून के महीने में जब स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी तब हम सब लोगों ने, दिल्ली वालों ने हार नहीं मानी, बैठ के उसकी पूरी प्लानिंग करी, एक्सपर्ट्स के साथ बात की, सब लोगों का सहयोग लिया और उसकी वजह से अपने दिल्ली के सभी लोगों ने मिलके कोरोना की स्थिति को सुधारा है। लेकिन फिर से मेरी आप लोगों से अपील है कि सावधानी मत हटने देना, मास्क हमेशा इस्तेमाल करना, कोरोना कब बढ़ जाए इसका कुछ नहीं पता है। अब अपने को अगली स्टेज पे जाना है। इस कोरोना की महामारी के दौरान लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत बड़े भारी नुकसान हुआ है बहुत सारे लोगों को और कई लोगों के घर में खाने की किल्लत हो गई। हालांकि सरकार ने इस दौरान खाने का इंतजाम किया, लेकिन अब लोगों को नौकरियां चाहिए, अब लोगों को धंधे चाहिए, अब लोगों को काम चाहिए, अब दुकानें खुलनी चाहिए, अब अर्थव्यवस्था की तरफ अपने को सबको मिलकर ध्यान देना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है अपने लोगों पे, जैसे दिल्ली के लोगों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं अपने दिल्ली के लोगों ने, आज मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आइए अब मिलके लग के अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सभी कदम उठाएं। मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों से अपील करता हूँ, मैं दिल्ली के सभी उद्योगपतियों से अपील करता हूँ, मैं दिल्ली के सभी प्रोफेशनल से अपील करता हूँ, दिल्ली के सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस, मार्केट एसोसिएशंस, बिजनेस एसोसिएशंस, सभी एनजीओस, सभी मीडिया से अपील करता हूँ, सभी सरकारी संस्थाओं से अपील करता हूँ कि आइए अब मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सुधारने की तरफ कदम उठाते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि एक चीज़ तो ये कि जब कोरोना चल भी रहा था तब भी हमने इसकी वकालत की थी कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुलना चाहिए। जब लॉकडाउन खुला, दिल्ली में केस बढ़े, हमने अपनी स्थिति को सुधारा, हमने दोबारा लॉकडाउन नहीं किया। मुझे खुशी है कि बिना दोबारा लॉकडाउन किए
आज पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में सुनने को मिल रहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन हो गया, 4 दिन का लॉकडाउन हो गया, 10 दिन का लॉकडाउन हो गया, दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। दिल्ली को दोबारा लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। अब अपने को सबको मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। मैं दिल्ली के सभी, दिल्ली से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई, माइग्रेंट लेबर दिल्ली छोड़ छोड़ के चले गए थे पिछले 3 महीने में, वो सारे लोग वापस भी आने लगे हैं, भारी संख्या में लौट रहे हैं। बाकियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अब आप ही की दिल्ली है। उस टाइम कोरोना बढ़ रहा था, कोरोना से डर के कई लोग चले गए थे, अब दिल्ली में कोरोना की स्थिति सुधर रही है, काम धंधे खुलने लगे हैं, आप लोग जो जो लोग गए थे सब लोग दिल्ली वापस लौट के आइए, सबसे मैं अपील करता हूं। आज स्थिति यह है कि जो दुकानें बंद हो गई थी, जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी, वो दोबारा खुलना चाह रही हैं। कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया था, वो दोबारा शुरू होना चाहता है, लेकिन आदमी नहीं मिल रहे। पिछले 3-4 महीने में लोग छोड़ छोड़ के चले गए, कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ अपने अपने घर चले गए, तो दुकान वालों को अपने आदमी नहीं मिल रहे, प्रोफेशनल्स को आदमी नहीं मिल रहे, इंडस्ट्री वालों को अपने आदमी नहीं मिल रहे, कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को आदमी नहीं मिल रहे। और दूसरी तरफ जिन लोगों की नौकरियां गई हैं उन लोगों को काम नहीं मिल रहे। तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए, इन दोनों का मैच कराने के लिए आज दिल्ली सरकार एक पोर्टल वेबसाइट शुरू करने जा रही है। इसका वेबसाइट का नाम है jobs.delhi.gov.in, jobs.delhi.gov.in। इसमें जितने जिसको भी आदमी चाहिए किसी भी तरह का, वो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करे और बोले कि मुझे इस किस्म का आदमी चाहिए, उसमें ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको ये काम करेगा, ये उसका ओहदा होगा, पद होगा, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डाल दे उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। और जिन जिन लोगों को नौकरी चाहिए वो भी इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दे कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ और मैं इन इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। इसमें कई सारी कैटेगरी दी हुई है कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, आपको टूरिज्म की नौकरी चाहिए, होटल की नौकरी चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन की नौकरी चाहिए, मजदूर की नौकरी चाहिए, पढ़े लिखे हो, किस तरह की आपको नौकरी चाहिए, तो आप बता दो कि मेरे को इस तरह की नौकरी चाहिए। आप कई सारी कैटेगरी भी भर सकते हो कि मेरे को इस तरह की नौकरी चाहिए। तो इस तरह से ये एक रोजगार बाजार है, इस वेबसाइट के ऊपर हम एक रोजगार बाजार शुरू कर रहे हैं जहां पे नौकरी देने वाले आएंगे, नौकरी लेने वाले आएंगे, दोनों का मिलाप होगा और लोगों को नौकरियां मिलेगी। ये एक आज पहल शुरू कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इससे सबको फायदा होगा, बिजनेस को, इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन वालों को, प्रोफेशनल्स को, दुकानदारों को भी फायदा होगा और जो नौकरी लेना चाहते हैं उन्हें भी फायदा होगा। एक चीज और आज ऐलान करना चाहते हैं कि कुछ कंफ्यूजन था, ये रेडी पटरी वालों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो आज स्पेशल ऑर्डर निकाल रहे हैं कि रेडी पटरी वालों को भी, हॉकर्स को भी आज से अपना काम करना शुरू कर दिया जाएगा, तो वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं हमारे श्रम मंत्री गोपाल राय जी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो नमस्कार साथियों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, कोरोना की स्थिति में सुधार के साथ साथ दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो पहल सरकार की तरफ से की गई है, मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, बेरोजगार जो लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, दोबारा याद कर लें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि जो रोजगार बाजार के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है उसका जो एड्रेस है, पता है, आप जब गूगल में जा करके या कहीं से भी jobs.delhi.gov.in टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी जिसके ऊपर सबसे लिखा हुआ है रोजगार बाजार, जहां पर जाकर के आपको जिस तरह की नौकरी चाहिए उस तरह की कैटेगरी उसमें पड़ी हुई है जिसमें आप डाल सकते हैं, एक जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, 10 जगह भी आप कर सकते हैं। दूसरा, जिनके पास वैकेंसी है
जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, दुकानदार हैं, कारोबार कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, वो अपनी वैकेंसी भी डाल सकते हैं कि उनको किस तरह के काम करने वाले कर्मचारी चाहिए। दोनों के लिए खुला हुआ ऑप्शन है, आप उस पर डालेंगे, एक दूसरे से संपर्क करेंगे और आप एक दूसरे को नौकरी और सहयोग देने में मदद कर सकते हैं। हमने इसके लिए, क्योंकि कई प्राइवेट भी साइट्स हैं, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए किसी तरह की पैसे की जरूरत नहीं है, ये फ्री सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। अगर आपसे कोई बीच में पैसा मांगता है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की तरफ से फ्री सेवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। तो कोई भी अगर दलाल बीच में आपको इसके लिए पैसा मांगता है तो पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्टर्ड करें और लोगों से संपर्क करें डायरेक्ट, इसीलिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। खासतौर से जितने बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी अपना जितना भी आपको जरूरत है इस पर रजिस्टर्ड करें। अगर किसी तरह की दिक्कत है, परेशानी है, तो डिपार्टमेंट आपके टच में रहेगा और हम मदद भी करेंगे। साथ ही साथ तमाम ऐसे जो सरकारी विभाग में ITI है, जो पॉलिटेक्निक है, तमाम ऐसे स्किल सेंटर्स हैं जहां से बच्चे निकलते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस वेबसाइट पर उसको रजिस्टर्ड करें, जिससे कि लोगों को स्किल लोग भी मिल सकें। तीसरा, जो तमाम जो हमारे ठेकेदार हैं, तमाम जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दिल्ली के अंदर, उन जगहों पर बहुत सारे सरकारी विभाग के ठेकेदार कह रहे हैं कि हमें वर्कर नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा दिल्ली के उन तमाम लोगों से, बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं कि जो वेबसाइट नहीं चलाना जानते, मैं दिल्ली के उन तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आपके अगर अगल बगल में, आपके मोहल्ले में किसी भी ऐसे मजदूर को आप जानते हैं कि जो वेबसाइट नहीं चला सकता है, आप उसकी केवल उसकी भी मदद करिए, उसको अगर रोजगार की जरूरत है तो आप इस वेबसाइट jobs.delhi.gov.in पर उसको रजिस्टर्ड करवा दीजिए, तो आपकी एक मदद होगी इस कोरोना के समय में दिल्ली की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाने में, दिल्ली की जनता को मदद करने में। थैंक यू। वीडियो एक इसके लिए जो पूरा प्रोसेस क्या होगा उसका एक वीडियो अभी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस तरह से इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड करना। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है। सबसे पहले आप jobs.delhi.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो मुझे नौकरी चाहिए ऑप्शन को चुनें। अगर आप कर्मचारी की तलाश में हैं, तो मुझे स्टाफ चाहिए ऑप्शन को चुनें। अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें। आपके मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए OTP नंबर आएगा, इसे आप OTP स्क्रीन पर डालें। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी पसंद की जॉब कैटेगरी चुनें और फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरकर अपना प्रोफाइल बनाएं। अब आपके द्वारा दी गई जानकारियों से मैच करती हुई जो भी पोस्टेड जॉब होगी वो यहां आ जाएगी। अपनी पसंद की नौकरी पर क्लिक करें और एम्प्लॉयर से कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट करें। आप जिस भी एम्प्लॉयर से कनेक्ट करेंगे वो आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट में आ जाएगा। माई प्रोफाइल पेज द्वारा आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आप कर्मचारी ढूंढ रहे हैं तो पहले नौकरी से जुड़ी सारी जानकारी दें और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। आपके द्वारा पोस्ट किए गए सभी रोजगार के अवसर माई जॉब्स में दिख जाएंगे। जब भी कोई नौकरी का इच्छुक व्यक्ति आपकी जॉब पोस्ट पर अप्लाई करेगा तो आपको वो माई जॉब्स में दिख जाएगा।